देखिए आप फर्स्ट गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट थर्ड है। इसका फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसके बारे में समझा था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या। सबसे पहले हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक था। क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स स्टॉपिंग। जिसमें चार्ज स्टॉपिंग रहे, जिसमें चार्ज रुका हुआ हो, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, और कूलम्ब्स लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ क्या पढ़ा था? कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ में फोर्स था एफ इक्वल टू 1/4 πε₀ Q^2 r²। देन आफ्टर हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 πε₀ Q/r². नाउ नेक्स्ट चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोगों ने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था V=W/Q, यानी कि V=1/4 πε₀ Q/r। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटर C। ठीक है। और जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, कूलम्ब्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मान रुका हुआ, उसमें चार्ज रुका हुआ था। कोई भी मेटल है जिसमें करंट पास हो सकता है, जो कंडक्टर्स होता है, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, अल्मोनियम, कॉपर, सभी में क्या होता है? चार्ज होता है, लेकिन वो हमें करंट नहीं मारता है। ठीक है ना। मीन्स उसमें करंट होता ही नहीं। ठीक है ना। करंट कब क्रिएट होता है? जैसे कोई बच्चा है, इंटेलिजेंट बहुत है, कभी उसे उसे पढ़ने नहीं मिला, चोर बन गया। ठीक है ना। तो अच्छा चोरी करता है क्योंकि माइंड है उसके पास, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिला है। तो ऐसे ही जो मेटल्स है, जब तक उसे पोटेंशियल नहीं मिलता है, तब तक करंट पास नहीं होता है। तो पोटेंशियल में से विभव होता है हिंदी में। तो सबसे पहले चार्ज की बात करते हैं। चार्ज को जब पोटेंशियल दिया गया, क्या दिया गया? पोटेंशियल दिया गया, तो क्या बन गया? करंट बन गया। क्या बन गया? करंट बन गया। और जब करंट बना तो हम लोगों ने उसका यूज किया, फैन चलाया, इलेक्ट्रिक बल्ब हम लोगों ने जलाया, ट्रेन चलाई। ठीक है ना। एक्स्ट्रा और इसका वर्क हुआ, इससे एनर्जी रिलीज हुई। क्या रिलीज हुई? एनर्जी रिलीज। जब एनर्जी रिलीज हुई, अब थोड़ी थोड़ी एनर्जी आए, जैसे तुम लोगों ने बायो में पढ़ा है, किडनी वगैरह में। ठीक है ना। गाल ब्लैडर भी पढ़ा होगा, जब गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं तो गाल ब्लैडर क्या कर दी जाती है? बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है ना। गाल ब्लैडर क्या निकालती है? एक्सरेस क्या करती है? एक जूस। कौन सा? बाइल जूस, जो कि बेसिक होता है। क्या होता है नेचर में? कैसा होता है? बेसिक होता है। देखो केमिस्ट्री, बायो आ गई, केमिस्ट्री आ गई, बेसिक इनकेयर कैसा होता है? बेसिक होता है। जो हम लोग फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं माउथ से, तो उसमें एसिडिक एसिड होता है, मतलब एसिड होती है। क्या होता है? एसिड होता है। एसिड बहुत हार्ड होता है। ठीक है ना। तो इंटेस्टाइन कहती है क्या कि हम आपके बेस को, हम आपके एसिड को नहीं ले पाएंगे। अगर हमारे इंटेस्टाइन में यदि बेस बाइल जूस से जूस ना सीक्रेट हो, ठीक है ना, तो हमारी जो इंटेस्टाइन है वो जल जाएगी। इतना इतना मतलब हार्ड होता है एसिड। भाई एसिड किसी चेहरे पर डाल दो तो चेहरा जल जाता है, तो इंटेस्टाइन जल जाएगी। तो किडनी में जो गाल ब्लैडर होता है, तो बाइल जूस सीक्रेट करता है। कौन सा? बेसिक वाला। एसिड और बेसिक मिलकर न्यूट्रल कर देता है, तब वो हमारे फूड को डाइजेशन करता है। कौन? जो हमारा इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और जब वो निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, क्या? गाल ब्लैडर, जिसके जिसके के वो स्टोन वगैरह हो जाते हैं। तो जूस ऐसा नहीं जूस सीक्रेट होना बंद हो जाता है, जूस सीक्रेट होता है, लेकिन वो बूंद बूंद करके हमेशा टपकता रहता है। ठीक है। वो फ्री हो जाता है, आलवेज से निकलेगा, निकल जाएगा, उससे फूड से मतलब नहीं रहता। ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे कैपेसिटर का वर्क है। जब हम फैन को स्टार्ट करते हैं, जब फैन को स्टार्ट करते हैं,
तो इसमें कंडेंसर लगा हुआ है, क्या लगा होता है कंडेंसर, जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में वैसे कैपेसिटर बोलते हैं हम लोग, इसे कंडेंसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंडेंसर। ये क्या करते हैं एनर्जी को स्टोर कर लेता है, अगर फैन को जब चलना होता है तो ये एनर्जी जब हम स्विच ऑन करते हैं तो उसको समझ जाता है कि अब फैन को मूव कराना है, तो अपने पास एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करा के फैन को क्या कराता है मूव कराता है, क्या कराता है मूव कराता है। तो ये वर्क किसका हो गया कैपेसिटर का, किसका वर्क हो गया कैपेसिटर, ठीक है। अब जब कैपेसिटर पढ़ लिया तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक अभी स्टॉपिंग थी, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी को मूव करा दिया। अब मूव कराने पे नेक्स्ट टर्न पे हमने पढ़ा चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसा स्केलर क्वांटिटी है और ये क्या वर्क करती है चार्ज से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करा देते हैं। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि EMF क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल, क्या बोलते हैं विद्युत वाहक बल, इंग्लिश में बोलते हैं EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जैसे सेल है, हमने नेक्स्ट टर्म बताया था, ये वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो सपोज किया एक सेल है बैटरी वाली सेल, इसमें एक साइड पॉजिटिव होता है एक साइड नेगेटिव होता है, इसके इस साइड जो फोर्स क्रिएट होगा प्लस के लिए प्लस से तो एफ एन कहलाता है और जो माइनस से क्या होता है एफ ई होता है। तो जो EMF होता है पूरे सेल में जो एनर्जी कलेक्ट होती है जो केमिकल होता है उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग किससे जनरेट करते हैं ई से अब ई इसी से, और ये ई किसके इक्वल होता है बी के इक्वल होता है, लेकिन अभी ई क्या होता है ग्रेटर होता है, क्या होता है ग्रेटर होता है, क्या होता है ग्रेटर होता है। इसके बाद में जब यही पोटेंशियल यही EMF बाहर निकलता है इंस्ट्रूमेंट में वर्क करता है, जैसे यहाँ पे हमने एक इंस्ट्रूमेंट बल्ब लगा दिया बल्ब बिच कर दिया, तो जो इसके अंदर जो पास हो रहा है जिससे जिसके थ्रू ये चार्ज पास हो रहा है प्लस से माइनस की हो जा रहा है यानी करेंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो यूज हो रहा है जो करंट को फ्लो करा रहा है इसमें जितना पोटेंशियल यूज हो रहा है वो क्या कहलाएगा पोटेंशियल, जिसके कारण ये चार्ज क्या किया इलेक्ट्रॉन क्या किया मूव किए वो कहलाएगा पोटेंशियल। लेकिन बैटरी के साइड जो भी है वो क्या है EMF है, तो बड़ा कौन है EMF, क्या है बड़ा EMF, और वोल्टेज क्या है छोटा, ठीक है ना। अब जब आपने सर्किट बनाया इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, क्या मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं इन्फिनाइट होते हैं इलेक्ट्रॉन, करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। और जब ये मूव करेंगे तो इसकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होगी, डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी, ठीक है ना। और जिस ब्लास्टी से ये मूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट ब्लास्टी, क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट ब्लास्टी। तो ये इतना सारा हमने ड्रिफ्ट ब्लास्टी के लिए बताया था, जिससे जिस ब्लास्टी से इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो क्या कहलाता है ड्रिफ्ट ब्लास्टी कहलाता है, ठीक है। कह रहा है ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट ब्लास्ट, दोनों चीजों को अच्छे समझेगा। देखिएगा ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज किया कि एक सिस्टम है ये क्या है सिस्टम, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये आपने क्या दिया बैटरी, पोटेंशियल किधर से किधर मूव करेगा प्लस से माइनस की ओर हायर टू लोअर। अब देखो क्वेश्चन इस टाइप से आता है नीट में या IIT में, छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा पोटेंशियल डेवलप होता है हायर टू लोअर, पोटेंशियल की जो डायरेक्शन होती है हायर टू लोअर, तो हायर क्या होगा प्लस होगा, प्लस ऐसे क्या कवर करेगा पोटेंशियल, हायर टू लोअर क्या करेगा कन्वर्ट करेगा पोटेंशियल। अब सडन जैसे ही आपने यहाँ पे प्लग लगा हुआ है, जैसे ही आपने सडन इसको ऑन किया बैटरी का, तो पोटेंशियल डेवलप होने से पहले ही बिफोर इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया मूव कर दिया, जो इलेक्ट्रॉन फ्री था इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया मूव कर दिया। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ा है, जैसे आपने पढ़ा है हालिना ने किरण से फरियाद सोडियम ले लो, क्या ले लो सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 11 होता है,
कितना होता है लेबर? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है कैसा है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। कैसा है? फ्री इलेक्ट्रॉन। आप खुद ही देखे होंगे आपके क्लास में जो लड़का बहुत ही विकास बहुत बदतमीज होता है, बच्चे बदतमीज होते हैं, वो क्या करते हैं जैसे ही क्लास में जैसे टीचर ने एंटर किया और जैसे ही मुँह घुमाया बोर्ड तरफ उसे सिताने चालू, ठीक है ना, वो तुरंत टाइम नहीं लगाता, जैसे ही मुँह घुमाया वो तुरंत सिताने चालू कर देता है, वो फ्री है, उसके माइंड में पढ़ना है ही नहीं। वैसे सेम यहाँ पे थिंग है कि वन इलेक्ट्रॉन है ये इसका, ये फ्री है। जैसे ही आपने बैटरी का स्विच ऑन किया इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट, ठीक है ना, तो क्या कहलाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आप ध्यान रखिएगा, आप कभी मत भूलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? प्लस टू माइनस, इसकी तरफ होती है प्लस से माइनस, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। कैसा होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है? निगेटिव। हेलो, कैसा चार्ज होगा? निगेटिव। और आपने पढ़ा कि F इक्वल क्या होता है? E अपान क्यू, तो E इक्वल होता है F अपान क्यू, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फर्स्ट चैप्टर में है इक्वल F अपान क्यू। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और F क्या है? फोर्स। इक्वल F अपान क्यू, F क्या फोर्स है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, क्यू चार्ज है, तो F इक्वल क्या आएगा? E वेक्टर इंटू क्यू, बोलो आएगा नहीं आएगा? और क्यू इक्वल क्या होता है? फर्स्ट पढ़े थे क्यू इक्वल एम ई, क्या होता है क्यू इक्वल एम ई, एम क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन फ्री? अब एक सोडियम नहीं है, सोडियम का पूरा क्या वायर है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? फाइनाइट इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एक एलिमेंट नहीं है, एक एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन है, और एक सोडियम की रॉड ले ली पूरी, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिलहाल हम सपोज कर लें कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो F इक्वल क्या आएगा? E की वैल्यू E रहेगी, Q की वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस N की वैल्यू वन होगी, माइनस E, तो क्या आएगा? F इक्वल माइनस E इंटू कैपिटल E। बोलो बात समझ में आया कि नहीं है? बोलिए, इसमें कोई डाउट? अब बात करेंगे, जब ये माइनस साइन एक चीज़ और इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो अपोजिट कर रहा है, क्या कर रहा है? अपोजिट कर रहा है, कि फोर्स प्रोड्यूस ना करे, क्या कर रहा है? फोर्स प्रोड्यूस ना करे, तो अपोज कर रहा है फोर्स का, तो फोर्स क्रिएट हो रहा है, जब अपोज करेगा तो एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में मास होता है कि नहीं होता है? बोलो, कितना मास होता है? 1.67 ये प्रोटॉन का होता है, 1.67 × 10⁻²⁷। इलेक्ट्रॉन पे जो मास होता है एम ई की वैल्यू 9.1 × 10⁻³⁰, कितना होता है? 9.1 × 10⁻³⁰ kg, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नोट किए कि F इक्वल क्या हो गया? MA, F इक्वल MA, इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन को एकदम कंबाइंड करा देंगे तो क्या आएगा? एम ए इक्वल ए वेक्टर क्वांटिटीज है माइनस ई इंटू कैपिटल ई, ए वेक्टर इक्वल कितना आएगा? माइनस ई इंटू कैपिटल ई अपान एम। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ ई के इक्वल क्यों नहीं फाइंड किया, हम ए क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि इसके बाद हमें फाइंड करना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करना, ब्लास्टिंग इज वेग, क्या वेग, और जब ब्लास्टी फाइंड करोगे तो आपने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड ब्लास्टी। देखो अब आप ट्वेल्थ में हो, आपने पढ़ा कि ब्लास्टी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक्सीलरेशन आता है, क्या आता है? एक्सीलरेशन आता है। ब्लास्टी का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो एक्सीलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा? ब्लास्टी आएगा, उल्टा होता है। अरे मैं तो पढ़ो ना डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, समाकलन अवकलन, अवकलन करोगे ब्लास्टी का अवकलन करोगे या डिस्प्लेसमेंट का अवकलन करोगे, देखो dx
अपान डी टी से डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं अपकलन, ठीक है ना। तो डी एक्स अपान डी टी करोगे ब्लास्टी आएगा, डिफ्रेंसिएशन क्या है, डिफ्रेंसिएशन है। और ए का इंटीग्रेशन कर दोगे टी के रेस्पेक्ट में तो क्या जाएगा, ब्लास्टी आ जाएगा, क्या जाएगा, ब्लास्टी आएगा। बस समझ में। अब जो ये बर्ड बर्ड बोलते हैं आप लिखते नहीं हो, लेकिन आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसमें बाद में नोट कर सकते हो करके वीडियो रोक के, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन क्या होता है, समाकलन, और डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, अवकलन, ठीक है। तो देखिएगा व्हाट इज डेप्थ ब्लास्टी, हम लोगों ने अपने इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ लिया था। अब डेप्थ ब्लास्टी क्या है इसके बारे में एक बार और समझिएगा। देखिएगा जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन ये है। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर है, टू पॉजिटिव पर। ऐसे इलेक्ट्रॉन और जिस ब्लास्टी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसे बोलते क्या, ड्रिफ्ट ब्लास्ट, क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट ब्लास्ट। और ड्रिफ्ट ब्लास्टी इलेक्ट्रॉन की ब्लास्टी कितनी है, 10^-4 मीटर पर सेकंड। मतलब इसकी जो ब्लास्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन बहुत स्लो मूव करता है, 10^4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगा, इधर से माइनस से प्लस की तरफ, माइनस टू प्लस, दिस इज द ड्रिफ्ट ब्लास्ट, इसकी इलेक्ट्रॉन। बस तो हमें केवल कंपटीशन के लिए तैयार रखना है, दो तीन चीज़ें मोटी मोटी, इसमें यदि आपसे फाइंड करवाया जाए, पूछा जाए एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है, तो एकल माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम, ई इलेक्ट्रॉन है या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ध्यान देंगे जो माइनस साइन शो कर रहा है ये अपोजिस का साइन शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है माइनस से प्लस की ओर, तो माइनस साइन किसको अपोज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्या है, ब्लास्टी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। और ये मैं सोच रही कि इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा ब्लास्टी कितनी है, 10^-4 सेकेंड, ठीक है ना। यदि आपसे कभी पूछा जाए कि किसी कंडक्टर में जब बैटरी यूज कर दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर होगी, तो किधर होगी, माइनस टू प्लस की, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन प्लस टू माइनस। बस मोटी मोटी चीज़ पर जाननी थी, इतना समझ गए। अब नेक्स्ट सीरीज डालेगा, अब अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है थर्मली कैसा, जिगजग मोशन, कैसा कर रहा है, जिगजग मोशन, उसकी कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉन कभी इधर तक देखिए, जैसे ट्यूब है, इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है इसके अंदर सिलेंडर के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन कभी टकरा जाता है, जैसे कई सारे इलेक्ट्रॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन इधर गया है, इधर इस साइड जा रहा है, और इससे इसने मोशन किया, टक्कर मारा वापस चला गया, टक्कर मार के वापस चला गया, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई, ठीक है ना, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो आपसे जो इनिशियल ब्लास्टी होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, उसका एवरेज किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। लेट कर लो, लेट किया आपने, लेट एन इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन्स, एन इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसकी जो इनिशियल ब्लास्टी है यू वन यू टू यू थ्री यू फोर डैश डैश यू एन है, कितनी है, यू एन है। यदि एवरेज एवरेज ब्लास्टी फाइंड करें, एवरेज इनिशियल ब्लास्टी लेंगे, तो यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डैश डैश यू एन अपान क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न, जितने नंबर ऑफ टर्न थे, जैसे जितने क्लास में बच्चे होते हैं अगर उनका वेट एवरेज फाइंड करें, सबका वेट ऐड करो, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उसको डिवाइड कर दो, ठीक है ना, एवरेज निकल आएगा। इसका एवरेज कितना निकलेगा, इसका जो एवरेज ब्लास्ट कितनी आएगी, जीरो, कितनी आएगी, जीरो आएगी। यही आपको लैंग्वेज में हमने लिखवाया है, हमने आपसे बोला है कि लेट देयर बी एन इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मैग्नेटिक कंडक्टर, इनिशियली देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। देखो आपको पता है,
हमने बताया कि कंडक्टर के इस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, आउटसाइड होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। आपसे ही पूछा गया था अभी एग्जाम में, ठीक है ना। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। देखो अभी आप समझ रहे, देखिए यहीं से छोटी छोटी बातें समझते चलोगे कि कंडक्टर है, इसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे जीरो हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होती है। पोटेंशियल डज नॉट इक्वल जीरो, और यहाँ पे फ्लक्स भी जीरो नहीं होगा। फ्लक्स डज नॉट इक्वल जीरो। आउटसाइड वैद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। आउटसाइड में फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है, और इनसाइड फ्लक्स जीरो नहीं होता। पोटेंशियल ना तो इनसाइड जीरो होता है और ना ही आउटसाइड जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता है, जीरो। तो इनसाइड जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन किधर ही मोशन में होगा, तो इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, जीरो। इट्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो। और हम लोगों ने अब इससे पहले पढ़ी रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, लिखेगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, इससे बेटर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एक्सप्रेस बाय द इलेक्ट्रॉन, बाय द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मास एम विल बी, मास एम विल बी एम मास एम। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग पता है कि यहाँ पे फाइंड करना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या फाइंड करना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी सपेक्स में टी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, बी टी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। अब हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, बी इक्वल यू प्लस ए टी, और टी की जगह यहाँ लिखेंगे टाव, क्या लिखेंगे, टाव नहीं टाव, क्या लिखेंगे, टाक नहीं है, यहाँ पे टाव है, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, कौन सा टाइम, जैसे आप पढ़ रहे हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी ड्राइव करते करते जब लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव करनी होती है गाड़ी, और कभी कभार पलक झपक जाती है, जब कभी देखा कि ट्रक डिवाइडर में घुस जाता है, ठीक है ना, वो उसी की नतीजे होता है जब ज़्यादा देर तक पलक झपक जाती है, ठीक है ना। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आपको नींद आए तो कभी कभार पलक झपक जाती है, तब भी गाड़ी बैलेंस में हो जाती है, ठीक है ना, लेकिन बहुत थोड़े थोड़े मोमेंट के लिए। तो वहाँ टाइम नहीं, क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, क्या मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन है, और वो टकराया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, अंदर टकराया इलेक्ट्रॉन, टकरा के उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ तो वन मोमेंट में डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और जिस चेंज हुआ तो उस टाइम को क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, और उसको टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ए इक्वल एफ बाई एम, ए इक्वल एफ की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड करी थी, ई टू कैपिटल ई, ई क्या इलेक्ट्रॉन है, और दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। अब ई और ये हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़े थे, पोटेंशियल वाले चैप्टर में, कि वी इक्वल क्या था, ई इंटू एल, वी इक्वल ई इंटू एल, वी क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई इक्वल क्या जाएगा, बी वाई एल, और यही यहाँ पे ई की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट अप कर दिया, तो ए आया ई वेक्टर इक्वल बी अपॉन एल इंटू एम। अब ये वैल्यू पुट अप किया, इसको सही से हमने इस फॉर्म में यहाँ पे नोट कर, ठीक है ना। अब हमें फाइंड करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या फाइंड करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, वी नो दैट बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन बी डी, बी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू यू एवरेज प्लस ए टाव, ए टाव क्या, ए टाव टाइम की जगह टाव कंसीडर किया है, तो यदि एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बी वन इक्वल टू यू वन प्लस ए टाव वन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए लेंगे वेलोसिटी तो बी टू इक्वल टू यू टू प्लस ए टाव टू, थर्ड इलेक्ट्रॉन लिए बी थ्री इक्वल टू यू थ्री प्लस ए टाव थ्री, डेटस बी एन इलेक्ट्रॉन के लेंगे तो यू एन प्लस ए टाव एन, ठीक है ना। और टोटल ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है तो बी डी इक्वल टू यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू फोर, डेटस
यू1 लिया, VD इक्वल टू इसकी वैल्यू पुट अप कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने U1 प्लस U2 प्लस U3 डेटा दिए ना पैनल ले लिया, और यहाँ पे टाउ वाले साथ में एक कांस्टेंट लिया, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 फिर डेटा टाउ ना पैनल लिया। इसकी पूरी वैल्यू क्या जाएगी, जीरो, एवरेज एवरेज ब्लास्ट जीरो आई इनिशियल की प्लस, और इस पूरे को टाउ से पोस्ट कर लिया ए टाउ, तो ड्रिफ्ट ब्लास्ट VD इक्वल टू आया ए टाउ। क्वेश्चन नंबर थर्ड इतना नोट करिए, हम लोगों ने इसमें ड्रिफ्ट ब्लास्टी फाइंड कर ली। अब ड्रिफ्ट ब्लास्टी की जगह ए की वैल्यू पुट अप करना चाहें तो ड्रिफ्ट ब्लास्टी की क्या है वैल्यू क्या आएगी, ई बाई एम ए इंटू वी बाई एल इंटू टाउ, ठीक है ना। ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक तो ये हो गया आंसर, सेकेंड हम लोग यहाँ से भी नोट कर सकते हैं कि बी अपॉन एल क्या होते हैं, बोलो ये थर्ड थी, दिस इज द फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। इस टाइप से हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आज का एंड हुआ। अब नेक्स्ट टर्न पे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और इसके बाद में करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी के बाद में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस होता है एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और देन इसे ये जो टॉपिक है इसका एंड हो जाएगा फोर्थ वीडियो में, और इसके बाद हम लोग IIT नीट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इसके सिंह का जय हिंद।